अगर हैली ने इतने सालों तक न्यूटन का साथ ना दिया होता तो शायद दुनिया उन्हें सिर्फ उन्हीं की उपलब्धियों और आविष्कारों के लिए याद रखती। मगर ज्यादातर लोग उन्हें एक चीज के लिए याद करते हैं, धूमकेतु। हैरानी की बात है कि धूमकेतु की खोज उन कुछ चीजों में से एक है जिन्हें हैली ने कभी नहीं किया। सामने बर्फ का पहाड़ है और जोर से हाथ चलाओ, जल्दी रस्सी खींचो। प्रिंकिपिया के प्रकाशित होने के बाद राजा ने हैली की अगुवाई में 3 समुद्री काफिले रवाना किए। इन वैज्ञानिक काफिलों का मकसद रास्ता तलाशने की ब्रिटिश नेवी की मुश्किलों को हल करना था। हैली ने इस मौके का फायदा उठाकर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का पहला नक्शा बनाया। वो एक कारोबारी भी थे। हैली ने डाइविंग बेल को बेहतर बनाया और अपनी खोज का इस्तेमाल करके समुद्र में तलाशी लेने वाला कारोबार शुरू किया। इस बार डॉक्टर हैली नहीं बचेंगे, उनको नीचे गए करीब 3 घंटे हो गए। किसी और की जिंदगी खतरे में ना डालकर हैली ने अपनी खोजों को खुद ही टेस्ट करके देखा। हमें यहाँ नीचे आए हुए पूरे 4 घंटे हो चुके हैं। 10 कदम के हिसाब से ये काफी अच्छा है। उन्होंने वेदर मैप की खोज भी की। हवाओं का रुख बताने के लिए उन्होंने जो भी निशान बनाए थे वो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हैली ने जनसंख्या के आंकड़े तैयार करने के लिए भी जरूरी वैज्ञानिक आधार बनाया था। कैसे? उन्होंने जन्म, शादी, मृत्यु और जनसंख्या घनत्व के मामलों में लंदन और पेरिस की तुलना की थी। पेरिस का सही नक्शा बनाने के लिए उन्होंने पैदल ही पूरे शहर को नाप लिया था। उन्होंने बताया कि चूंकि करीब आधे एडल्ट्स बच्चे पैदा करने में नाकाम रहते हैं और बच्चे होंगे तो आबादी भी बढ़ेगी, इसलिए हर शादीशुदा जोड़े को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि आबादी बरकरार रहे। और एडमंड हैली की वजह से ही हमें सौर मंडल का असली स्केल मिल पाया था। उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालने का तरीका निकाला। इसमें उन्होंने वो समय नापने को कहा था जितनी देर में शुक्र ग्रह सूर्य के सामने से गुजरता है।